उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मोंडा पांडे थाना पुलिस ने बीटेक के छात्र सुधीर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 25 सितंबर को मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव गणेश घाट के जंगल में गांव के सूरज के खेत में एक अज्ञात युवक की अर्धजली लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त बिलारी थाना क्षेत्र के गांव ढकिया नरू निवासी सुधीर पुत्र वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई थी। मृतक के पिता वीरेंद्र सिंह ने इस मामले में भगवान दास और कृपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया था। आखिरकार पुलिस टीम ने सुधीर हत्याकांड के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। इस हत्याकांड में मृतक छात्र सुधीर के फुफेरे भाई शुभम पुत्र प्रकाश वीर निवासी ज्वालानगर थाना सिविल लाइन रामपुर और परवेंद्र उर्फ बरविंदर सिंह पुत्र चंद्र कुमार सैनी निवासी शिवनगर जयंतीपुर थाना मंझोले के नाम प्रकाश में आए, जिसमें से परवेंद्र सिंह पुत्र चंद्र कुमार सैनी निवासी शिवनगर जयंतीपुर थाना मंझोले को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी शुभम अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी है। बता दें कि बिलारी थाना क्षेत्र के गांव ढकिया नरू में रहने वाला बीटेक का छात्र सुधीर सैनी 23 सितंबर को बरेली कॉलेज जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन पहुंचा नहीं, न ही किसी रिश्तेदारी में गया। दिनांक 25 सितंबर को थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव गणेश घाट के जंगल में एक अज्ञात शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान सुधीर के रूप में हुई। पकड़े गए आरोपी परविंदर ने पुलिस को बताया कि शुभम ने बताया कि मृतक अपनी सौतेली बहन को परेशान व उसके साथ मारपीट करता था, जिसकी शिकायत सौतेली बहन ने शुभम से की थी। पूर्व में भी शुभम व मृतक के बीच झगड़ा हुआ था, इसी की रंजिश में यह प्लान बनाकर हत्या की गई। पहले मृतक से बात कर खेत पहुंचे, जहां पहले शराब पीकर फिर अचानक से गंडासे से हत्या कर दी, शराब की बोतल से भी वार किया, फिर सबूत मिटाने के उद्देश्य से पेट्रोल से इसके शव को जला दिया था। ये 25 सितंबर को मुंडा पांडे के एक गांव में एक अज्ञात अजला शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त सुधीर सैनी जो निवासी बिलारी के रूप में हुई थी। ये बीटेक का छात्र था जो बरेली में पढ़ता था। इसमें आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसने अपने बयानों में बताया कि दो लड़कों ने मिलकर ये पूरी घटना करी है। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, जो दो अभियुक्त हैं शुभम और परविंदर, ये आपस में चचेरे तहेरे भाई हैं। इन्होंने बताया कि जो मृतक है, इसमें शुभम और मृतक भी दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। शुभम इनके बुआ का लड़का लगता है। इसने ये बताया कि जो मृतक की सौतेली बहन थी, इसने शिकायत करी थी इसे कि मृतक इसे मारता पीटता है और परेशान करता है। इससे पूर्व में भी लगभग 4-5 दिन पहले इनके मृतक और शुभम के बीच में मारपीट हुई थी, तो इसी के बदला लेने के उद्देश्य से ये पूरी घटना रची गई। इसको फ़ोन करके अपने पास बुलाया गया था मुंडा पांडे में। पहले घटनास्थल पर इन्होंने शराब पी थी और शराब के नशे में शुभम ने जो मृतक है इस पर वार किया और बाद में बोतलों से भी वार किया, और जो बाइक में जो पेट्रोल होता है उससे इसके शव को जलाया गया। इसमें एक अभियुक्त शुभम इस समय फरार है, इसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस जो गिरफ्तार अभियुक्त परविंदर के निशानदेही पे मृतक के अधजले कपड़े भी बरामद किए गए। सर, एक ब्लाइंड मर्डर था, कहाँ से कड़ी जुड़ी थी? इसमें शुरुआत में जो वादी थे उन्होंने अन्य लोगों के नामजदगी की गई थी, उस पर उस डायरेक्शन में भी विवेचना की गई, उसमें कोई लाभप्रद जानकारियाँ नहीं मिल पा रही थी। सबसे पहला शक हुआ कि यह घटनास्थल क्योंकि बहुत रिमोट प्लेस था, ऐसा क्यों चुना गया। जब जानकारी की गई तो इसमें जो एक अभियुक्त है शुभम, उसके परिवार के खेत उसी घटनास्थल के आसपास है, जिन पे शक जाहिर हुआ। इसके अलावा फिर और भी सर्विलांस की मदद की ली गई, तो इसमें दो लड़कों पे शक शुरू हुआ, शुभम और परविंदर। जब परविंदर से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को कबूला और किस प्रकार किया ये भी बताया। साथ में जो कपड़े इन्होंने जला के छुपा दिए थे उसकी भी बरामदगी की गई, तो इस तरह इस पूरी घटनाक्रम का अनावरण हुआ। इसमें जो फरार अभियुक्त है शुभम, इसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थैंक यू सर। पकड़े गए आरोपी का क्या पूर्व कोई आपराधिक इतिहास अभी तक इनका कोई ऐसा आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया है, इसमें विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे।